अंडर अप्पे अप्पम अप्पम नहीं बोलते हैं तो अप्पे बोलते हैं अप्पे गुड मॉर्निंग ओके सापड़म 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 मींस खाना तमिल लैंग्वेज में यहाँ बन रहा है अप्पे ओके ये इसका बैटर है सूजी है प्याज है और हरी धनिया है आपके पास और जो वेजिटेबल्स है आप डाल सकते हैं आज हमारे पास केवल इतनी ही सब्जियां अवेलेबल है ओह माय गॉड ये क्या है मतलब आप राई डाल रहे हो इनमें इससे बहुत अच्छा देखने में लुक बहुत फ्लेवर अच्छा भी आता है ना हाँ और इसके ऊपर करी पत्ता भी डालते हैं करी पत्ता कहाँ रखा है करी पत्ता ओके करी पत्ता इज हियर एक एक पत्ती ऐसे करके तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा और खाने में टेस्ट भी आता है अब हम इसमें एक एक चम्मच ये ऐसे करके डाल देंगे ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करेंगे वरना फिर बाहर आ जाता है वो तो शेप भी ख़राब हो जाता है इसमें सूजी डाला है और क्या डाला है सूजी है और मैंने इसको भिगो दिया था एक घंटे पहले जब मैं सो के उठी थी तभी तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है हमारे अप्पे में और ये मैंने ढक करके पकाया है 3-4 मिनट पकाया था फिर मैं इसको फोल्ड मतलब टर्न कर दूंगी जिससे कि ये दूसरे साइड भी पक जाएगा तो अगर आप ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट पसंद करते हैं तो उसमें से एक ये अप्पे भी ऑप्शन है आप अपने घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छा हेल्दी ऑप्शन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल आप डाल दीजिए अगर आपके पास है तो मेरे पास आज नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है इधर हमारी गर्मा गर्म चाय बन रही है तो तैयार हो गया हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट आइए आप लोग भी खा लीजिए और चलिए मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग और हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और अप्पे बनाए थे जैसा कि आपने देखा पीहू यहाँ पे पढ़ रही हैं अपनी काउंटिंग लिख रही हैं और मुझे हेयर वॉश करना है क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे हेयर कलर करना है तो उसके लिए मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा तो क्योंकि मेरा बाल काफ़ी अभी गंदा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ पहले हेयर वॉश कर लेती हूँ और फिर कलर के लिए देखते हैं कैसे करना है काफ़ी ऑयली हो गया है अभी बाल गर्मी से पसीने से तो चलिए मैं हेयर वॉश करके आती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे और पीहू से भी मिल लीजिए हेलो पीहू गुड मॉर्निंग क्या लिख रही हो ये काउंटिंग काउंटिंग लिख रही है पीहू हमने 50 जो दिया था काउंटिंग 51 to 100 हाँ तो अभी पीहू 83 तक पहुंची है चलो आगे बोलो 81 82 हाँ बोल बोल के पीहू लिख लेती है तो जल्दी हो जाता है ना पीहू चलो फिर मैं जल्दी से हेयर वॉश करके अब मैं हेयर वॉश करके आती हूँ आप जल्दी से लिख लेना बोल बोल के ठीक है चलो मैंने भी हेयर वॉश कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ अप्लाई करने वॉल स्किन साइंस का ऑयल फ्री कैफीन फेस सीरम जो कि ये काफ़ी अच्छा है सबसे पहले हम इसको शेक कर लेंगे इसकी कुछ ड्रॉप अपनी पाम पे लेके मैं अपने फेस पे इसको डॉट डॉट करके लगा लूँगी बहुत ही लाइट फॉर्मूला है तो इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा तो ये पंप बॉटल में आता है ये बहुत अच्छा है आप इसको आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो नेट वॉल्यूम है ये 30 ml की कांच की बॉटल है तो ये मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता देती हूँ इस सीरम के बारे में सबसे पहले मैं आपको इसके मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बता देती हूँ इसमें है प्यूरिफाइड वाटर कैफीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट हाइलुरोनिक एसिड जो कि आपकी स्किन को स्मूथ करता है इसमें जो QR कोड दिया हुआ है इसको आप स्कैन करके अपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते और जब भी आप इसको स्कैन करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो नेक्स्ट परचेज पे रिडीम हो जाते हैं तो वाव स्किन साइंस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हिमालयन बॉर्न वाटर से मिलकर बनते हैं हमारी इंडियन ब्रांड है तो हमें अपनी इंडियन ब्रांड को ही प्रेफर करना चाहिए ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ऑल स्किन
स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन में रिंकल हो रहे हैं, आपकी स्किन बहुत लूज हो रही है, तो ये इसको टाइटन करता है, टोनिंग करता है और आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है। इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन बनाता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में है, तो आराम से आपकी स्किन पे स्प्रेड हो जाता है, बिल्कुल ये स्टिकी और चिपकी नहीं है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा 20% ऑफ चाहते हैं तो Bulbul20 आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा buywaw.in पर। तो इस प्रोडक्ट को अगर आपको लेना है तो Amazon, Flipkart, नायका और buywaw के ऐप से आप इसको परचेज कर सकते हैं। नहा के तैयार हो गई है और अभी यहाँ पे पीहू जा रही है फादर्स डे के लिए एक्टिविटी बनाने। डैडी के लिए क्या बनाने जा रही है पीहू? फोटो फ्रेम। तो ये मैंने एक पीहू, ये देखो ये स्टिक बनाई है, इसको आपको कलर भी करना होगा, ठीक है। अभी हमको इसको भी इसी तरह रोल करना है और फिर हम इसको कलर करके फोटो फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। चलो इसको रोल करो, थोड़ा धीरे 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 रोल करो, जैसे मैंने रोल किया है ना, पतला पतला। मैं बताऊं आपको कैसे करना है? तो यहाँ पे मैंने 4 ऐसी स्टिक बनवा ली हैं पीहू से, मतलब मैंने हेल्प कर दी है और अब इससे हम फोटो फ्रेम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पीहू की हेल्प कर दी है ऐसी स्टिक बनाने के लिए। पीहू फोटो फ्रेम क्रिएट करने वाली है अपने डैडी के लिए, इसमें बनाएंगे हम लोग। और लेकिन मेरे पास कोई भी अभी रिसेंट का फ़ोटो नहीं है पीहू का और पीहू के डैडी का, तो हम लोग पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ही लगाएंगे। और पीहू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है डैडी के लिए फ़ोटो फ्रेम बनाने को ना। और पीहू क्या कह रही है, क्या बना क्या करेंगे पीहू फादर्स डे पे, क्या करोगी डैडी के लिए? हाँ, मैं बनाऊंगी आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसे बनाओगी? केक कह रही थी अभी तो आप। अच्छा, तो पीहू डैडी के लिए आइसक्रीम बनाएगी, अपने लिए केक बनाएगी। केक तो डैडी से कट करवाओगी? हाँ। तो कल है फादर्स डे, उसका सेलिब्रेशन पीहू ने स्टार्ट कर दिया है, उसकी जो तैयारियां हैं वो सब कुछ पीहू ने शुरू कर दिया है। तो पीहू अपने फादर के लिए कर रही है और मैं अपने पापा के लिए दूर से ही विशेज मांगूंगी अपने पापा को, हैप्पी फादर्स डे बोलूंगी। अगर पापा ये वीडियो देख रहे हैं तो पापा हैप्पी फादर्स डे। नानू को भी बोलो, नानू हैप्पी फादर्स डे। हाँ। और यहाँ पे मेरा वो बनता है, क्या चटनी? चटनी बन रही है। पीहू कुछ ना कुछ बनाती रहती है, मैं ये बना रही हूँ। और अभी मम्मी पापा और वर्मा जी किसी काम से बाहर गए हैं, अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। लंच का टाइम हो गया है, टाइम क्या हो रहा है, बारिश होना स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी 1:20। हाँ, 1:20 बज, मतलब 1:20 हो गया है, 1:30 बजने वाले हैं। पीहू को सबसे पहले मैं इसमें वाइट कलर करवा देती हूँ, इसमें मैं पहले वाइट कलर करवाती हूँ और फिर देखती हूँ इसमें कलर चढ़ता है कि नहीं। तो ये वाटर कलर करेगी इसमें। लेके आओ बेटू अपना वाटर कलर। हाँ, वाइट वाला ओपन करिए, ओनली वाइट। इस रोल में आपको वाइट कलर करना है, अपने कपड़े बचा के आराम से करिए। वेरी गुड। हाथ में उठा लीजिए जैसे मैंने उठाया था। तो यहाँ पे वाइट कलर पीहू ने कर दिया है और अब ये सूखेगा, इसके बाद हम लोग इसमें कलर करेंगे। हाँ, जिससे ये कलर अच्छा चढ़ेगा। आपको पता है वाइट क्यों किया है इसमें? इसमें वाइट इसलिए किया है जिससे कि ये जो कलर जब इसमें करेंगे तो और अच्छा कलर आएगा। चलो तब तक हम लोग लंच कर लेते हैं, ठीक है? तब तक ही सूख जाएगा। ओके, सो एवरीवन, अभी हो गई है शाम और अभी मैं काम से थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ, मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ वर्मा जी से अपना हेयर कट करवाने, यानी कि अपना नया लुक लेने। मैंने सोचा था आज हेयर कलर करेंगे, बट मैं सोच रही हूँ पहले हेयर कलर करने से पहले अपना हेयर कट करवा लेते हैं, उसके बाद ही कलर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे आगे का भी हेयर कट करवाना है, मतलब आगे का भी थोड़ा सा कटिंग करवानी है। तो चलिए, तैयार है आप हेयर कट करने को? तो चलिए देखते हैं कि क्या लुक इस बार आप मेरा करते हैं। चलिए फ़ोन ट्राईपॉड पे सेट कर देती हूँ।
तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ अपना हेयर कट कराने के लिए। पता नहीं कैसा करेंगे वर्मा जी। वैसे मुझे ज़्यादा करना नहीं है, बस मैं नीचे से थोड़ा सा शेप भी दिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हेयर कट कराए, तो ऊँचे नीचे हो जाते हैं ना, वही बस करवाना है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बाहर लॉकडाउन क्या मतलब, कोरोना के टाइम में बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए बाहर जाके तो खैर मैं नहीं ही करवाऊँगी। इस बार मैं जो भी करने वाली हूँ सब कुछ घर पर ही करूँगी। और आप लोग भी काफ़ी वेट कर रहे थे मेरा मेकओवर वीडियो देखने के लिए, तो ये तो मेरा हेयर कट का वीडियो है। इसके आगे जो कल का व्लॉग आएगा उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो मैं देख रही थी कितना इन्होंने मेरा बाल काटा है। वैसे मैं और चाहती थी कि थोड़ा बहुत और कट जाए, और मुझे आगे का भी हेयर कट कराना है, तो देखिए अब आगे का क्या लुक बनने वाला है। तो ये लीजिए, बीच की एक मेरी क्लिप जो है वो मिस हो गई, जो कि थोड़ा सा हेयर कट का वीडियो शूट हुआ था वो तो कट हो गया है, मतलब मिस हो गया। खैर कोई बात नहीं, आगे का हेयर कट भी हो गया है। ये देखिए फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, मेरा हेयर कट हो गया है। कैसा हुआ है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और आगे का ये कट गया है, ये देखिए फ्लिक्स भी अच्छी निकल आई हैं, और पीछे भी मैंने ज़रा ज़रा से ही करवाया है, ज़्यादा नहीं करवाया है। बस कल करना है मुझे हेयर कलर, तो कल के ब्लॉग का वेट करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया होने वाला है। और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए इस ब्लॉग को फिनिश करते हैं, आ जाओ पीयू के साथ करते हैं, है ना। पीयू ने आज गुड नाइट वाली अपनी ड्रेस पहन ली है। क्या पहना है पीयू ने? गुड नाइट वाली ड्रेस, नाइट सूट। चलो फिर कल मिलेंगे, कल केक काटेंगे। हाँ कल है फादर्स डे, कल केक काटेंगे, डैडी काटेंगे। आपने क्यों बता दिया? आप पीयू ने कुछ कुछ बनाया है अपने डैडी के लिए ना, दिखाएं दिखाएं। देखो फाइनल लुक दिखाते हैं, नहीं नहीं कल ही दिखाएंगे फाइनल लुक, ठीक है। बन गया है पीयू का फोटो फ्रेम, और कल दिखाते हैं आपको कि वो कैसा बना है। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।